मैं ज्योतिका चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हमारे सर्दियों में होने वाले हाथ और पैर पर सूजन जलन को कैसे सही किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के सर्दियों में हाथ पैर की अंगुलियां सूज जाती है और उनमें बहुत ज़्यादा जलन व खुजली होने लगती है। और सर्दियों में अक्सर हाथ और पैरों में सूजन आने की मुख्य वजह अत्यधिक ठंडे माहौल में रहने की वजह से खून जम जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और ऐसे में हाथ और पैरों का लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने पर उनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहद कम हो जाता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है, वो लाल रंग की नज़र आने लगती है। लेकिन गर्माहट मिलने पर उनमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, पर दर्द और खुजली वैसे ही होती रहती है। सो इसके लिए मैं आज आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जिससे कि आप कुछ ही दिनों में आपकी अंगुलियों की सूजन व जलन खुजली को सही कर सकें। सो अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सरसों का तेल। सो 4 चम्मच सरसों के तेल और 1 चम्मच सेंधा नमक को मिलाकर गर्म करें और इसे सोने से पहले हाथों पैरों की अंगुलियों पर लगाएं और मोजे पहनकर सो जाएं। इससे कुछ समय में ही अंगुलियों की सूजन दूर हो जाएगी। और आप चाहें तो जैतून के तेल को भी गर्म करके मालिश कर सकते हैं। नंबर 2, सेंधा नमक व फिटकरी। सर्दियों में हाथों पैरों में होने वाली सूजन और जलन से बचने के लिए थोड़े से गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर व उसमें थोड़ी सी फिटकरी ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों को उस पानी में रखें, जिससे कि पानी की गर्माहट दर्द को खींच लेगी और सेंधा नमक से शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति होगी। और पैरों को ड्राइनेस से बचाने के लिए इस प्रक्रिया को दिन में केवल एक ही बार करें। नंबर 3, आटा। जी हाँ, आटे की गर्माहट से दर्द से हमें जल्दी राहत मिल जाती है। सो इसके लिए आटे का पेस्ट बनाकर 30 मिनट तक दर्द वाले जगह पर लगाएं और उसके बाद गुनगुने पानी से धोकर हल्की मसाज के साथ मॉइस्चराइज लगाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 4, हल्दी। जैतून के तेल में 1/2 चम्मच हल्दी मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं। इससे सूजन के साथ साथ खुजली, दर्द और जलन से भी राहत मिलेगी। नंबर 5, प्याज। जी हाँ, प्याज एंटीबायोटिक और एंटी सेप्टिक गुण होने के कारण प्याज भी अंगुलियों में होने वाली सूजन को दूर करता है। सो इसके लिए प्याज के रस को सूजन वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें, इससे आपको कुछ राहत मिलेगी। नंबर 6, नींबू यानी कि लेमन। नींबू का रस भी सूजन को कम करने के लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। सो इसके लिए हाथ या पैरों की उंगलियों में सूजन होने पर। नंबर 7, मटर। मटर को पानी में अच्छी तरह उबाल लें और फिर उसमें हाथों पैरों को धोएं। दिन में जब भी हाथ पैर धोएं तो मटर के पानी का ही इस्तेमाल करें, इससे सूजन की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 8, तेल और मोमबत्ती। सर्दियों में हाथ पैर की सूजन और लालिमा से बचने के लिए मोमबत्ती व सरसों के तेल का मिश्रण बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सो इसके लिए आपको 1 कटोरी में सरसों के तेल को गर्म करके और फिर उसमें 1 मोमबत्ती डालें और मोमबत्ती को पूरे पिघलने तक उसे पकाएं। और अब इसे ठंडा करें और सूजन वाली जगह पर लगाएं। हल्के हाथों से मसाज करें और 2 से 3 बार इसे लगाने पर आराम मिल जाएगा। नंबर 9, जब आपके हाथ पैर पर स्वेलिंग, खुजली, जलन हो तो उस समय आप सुबह के समय
पानी में काम करना ज़रूरी है, तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अब जितनी बार भी पानी में हाथ करें या फिर पैर करें, जितना हो सके गर्म पानी यूज़ लें, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ पैर करने से आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है। नंबर 10, बाहर निकलते समय हाथों में दस्ताने और पैरों में जुराब जरूर पहन के निकलें। अगर आपको मेरा यह आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।